हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? आपका अपना दोस्त आरिस चौरसिया एक नए वीडियो के साथ। ये फेवी कीक और बोनफिक्स से थर्माकोल पे क्या असर होता है देखिए। तो यहाँ पे हम फेवी कीक को डालेंगे और आपके सामने देखिए क्या होता है। दो बूंद ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना से ही पता चल जाएगा। तो ये हमने डाल दिया है और देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन होने लगा है। चलिए देखते जाइए, थोड़ा और डालते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है। और ये जो थर्माकोल होता है, असल में इसमें 90% हवा भरा होता है, इसलिए ये हल्का भी होता है। और देखिए यहाँ पे ये गलना स्टार्ट हो गया है, गल रहा है ये। और इसी तरह से अगर हम इस पे बोनफिक्स सोल्यूशन को डालते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, पेट्रोल डालने के बाद क्या रिएक्शन होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देखिए चिपक नहीं रहा है, ये गल गया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको सभी तरह का इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेच, ऑल टाइप का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पे बोनफिक्स को देते हैं और बोनफिक्स देने के बाद क्या रिएक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पे जो बोनफिक्स है, ये फेविकिक से भी ज़्यादा जल्दी से असर कर रहा है। ये देखिए अंदर ऐसा लग रहा है कि ये आर पार बहुत जल्दी कर जाएगा। ये हेवी किक तो आर पार नहीं हुआ है, थोड़ा गड्ढा हुआ, लेकिन ये देखिए ये तो ऐसा लग रहा है कि इस तरफ से उस तरफ से ये पार हो जाएगा। जबकि इसकी जो मोटाई है थर्माकोल का, ये तकरीबन 15-16 एमएम है। देखिए इतना गड्ढा ये हो चुका है और ये देखिए इस तरफ ये पार हो ही चला, बस समझ के आर पार पार हो गया ये। अगर और मोटा होता तो और गड्ढा करता ये। तो ये दोनों तरफ से आर पार हो चुका है, देखिए पार हो चुका है। इस तरफ देखिए सुराख बन चुका है बिल्कुल, इस तरफ से उस तरफ होल हो गया ये। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये हमने जो बोनफिक्स डाला था उसका, और ये बोनफिक्स और ये फेविकिक दोनों से आर पार हो जाता है इसमें। अब यहाँ पे हम पेट्रोल डालेंगे, पेट्रोल से देखिए क्या होता है, किससे ज़्यादा असर करता है इस पर, किससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बोनफिक्स से, पेट्रोल से या फिर फेविकिक से। चलिए पेट्रोल को डालते हैं 3-4 बूंद। देखिए ये तो और बहुत ही स्पीड से जा रहा है, बहुत ही जल्दी, सबसे कम टाइम लिया ये पेट्रोल, इसके बाद बोनफिक्स, सबसे कम इस पर इफेक्ट जो हुआ है वो हुआ है फेविकिक का। पेट्रोल तो देखिए बस जैसे ही हमने डाला ये बिल्कुल गल गया, घुल गया, जैसे पानी में नमक घुल जाता है वैसे। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।